वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने गुरुग्राम के हरिओम नाम के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस बदमाश के पास से अवैध पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए। हरिओम को पुलिस ने बामडौली गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस इसे अपने लिए एक बेहद बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इस बदमाश के खिलाफ हत्या के दो मामले दर्ज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस बदमाश पर हत्या का आरोप है। पिछले काफी समय से फरार चल रहे इस कुख्यात बदमाश का गुरुग्राम में आतंक था। हरिओम नाम के इस बदमाश के खिलाफ हत्या के दो मामले भी दर्ज हैं। रेवाड़ी के भरथल गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग कर हत्या का भी ये बदमाश आरोपी है। गुरुग्राम के बसई गांव के रहने वाले इस बदमाश के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपना खुद का गैंग बना रखा था। बताया जा रहा है कि अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए इसने शादी समारोह में अपने ही गांव के लोगों पर हमला किया था। इस गोलीबारी में एक युवक की मौत भी हो गई थी और दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। बदमाश हरिओम को अपराध शाखा 2 पुलिस ने बामडौली गांव से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। आज कल हमारी CIA की सेकंड की टीम है, जो 57 सब इंस्पेक्टर जिसका इंचार्ज है, उनके द्वारा एक हरिओम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जा से 32 बोर के एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस जिंदा बरामद किए गए हैं, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया है। जिसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में भी चेक किया गया तो संदीप के जो भाई, उसका 27 सितंबर को 2019 में बसई गाँव में मर्डर कर दिया गया था। उनको 15-20 गोलियाँ उनकी गाड़ी पर फायर की गई, जिसमें मुनि नाम का एक लड़का मारा गया और दो अन्य घायल हो गए थे। अभी तक तो ना जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने बदला ही लिया है, बाकी इसके बारे में गहनता से जांच की जाएगी। इस शातिर अपराधी के गिरफ्त में आने से पुलिस ने चैन की सांस ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस बदमाश का संबंध किसी और गैंग के साथ तो नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। जनता टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट।